अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल, वेलकम टू हमारा विद लाइफ यूट्यूब चैनल पे। एंड न्यू तो मेरे चैनल कर लें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक कमेंट शेयर, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस, आज का बहुत ही ब्यूटीफुल सा डे स्टार्ट हो गया है हमारा आप सबके साथ। तो मुझे कुछ वीडियोज के रिप्लाई करने हैं, एक दो वीडियोज हैं मेरी, ठीक है। दोनों वीडियोस के कमेंट्स के रिप्लाई होंगे आज, ओनली जस्ट कमेंट वीडियो बनेगी। आप जरा ना हमारे वीडियो का लाइक बहुत कम करते हैं, वीडियो का लाइक भी तो किया करें और जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर पूरे करवा दें। आइए ना, जल्दी जल्दी से 20 करवा देना, फिर जल्दी जल्दी से 30K करवा देना, फिर आइए ना। तो पहले जो पिछली वीडियो के कमेंट्स थे ना, उसमें मैंने सबको कहा हुआ था कि आप लोग चैनल का नेम बताएं। काफी लोगों ने मुझे बहुत सारे चैनल के नेम बताए, किसी ने बताया अमारा विद अमरीना, अमाराज व्लॉग, अमारा फैमिली व्लॉग, और किसी ने मुझे कहा हुआ था कि नाक रख लो, कभी किसी ने कहा हुआ था नासा वाली फैमिली, पता नहीं इस तरह का। किसी ने हमें पूसी कह दिया गाइस, हां कह था पूसी रख लो, सोनी है मैं और... पूसी नहीं है कि मैं सोनी है। और एक है निशा व्लॉग, वो हमेशा कमेंट करती हैं एक ही कि मैं इंडिया से हूँ, अगर आप लोग इंडिया में होते तो मैं आपकी शादी अपने कजन के साथ करवा देती। ये इसके लिए इसके लिए कमेंट है। क्यों आपका मतलब कजन अमरीना जब बोलती है मैं सोनी लग रही हूँ तो बहुत मजा आता है। आजकल अमरीना बहुत कम बोल रही है। नहीं मैं तो इतना ज्यादा बोल रही हूँ गाइस, अब मैं एक ही बात बोलती रहूँ मुझे शर्म आती है, क्योंकि मैं सुंदर नहीं ना हूँ तो फिर मैं कहती हूँ मैं सही लग नहीं पाई। जिन स्टोरीज बताएं प्लीज, जिन स्टोरी बताते हैं हमारा इनको बताओ। हम लोग ना गाइस, जब हमारी अम्मी फोत हुई थी तो हम लोग बहुत डरते होते थे, क्योंकि हमारे घर में पहली ऐसी फोत की थी, हमारे एक पहला मेंबर हमारा कम हुआ था, जो हमारी हम 6 लोग है ना टोटल, दो बहन भाई एक माँ बाप, तो 6 लोग टोटल, तो हमारा फर्द एक कम हो गया था, हम बहुत डरते थे। हम लोग ना ऐसे आंखें ही नहीं बंद करते थे पूरा साल, तो मैं और ये सोए ही नहीं, तो ना हम ऐसे आंखें बंद करने लगे, हमें झोंकियाँ आती थी, जाहिर है जाग जाग कितना बंदा जाग लेता है, आखिर नींद आने लग जाती है, एक दो घंटे की झपकी हम लेते थे सिर्फ। तो ऐसे हम लोग सो रहे होते थे ना, तो सोफा ऐसे हिलता था, हमारा दुखाई वो किड़किड़ कर नहीं जरा क्या करता था, एक आवाज आएगी आपको, ये आवाज आ रही है, ऐसे आवाज होती थी, हम ऐसे हो जाते थे। फिर उधर कूलर पड़ा होता था ना, उसके ऊपर ऐसे ऐसे आवाज, ऐसे आवाज, सोफा खुद ही जैसे सोफे पे कोई बैठ रहा है कोई उठ रहा है, ऐसी आवाज है। शुरू शुरू हम लोग बहुत डरते थे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ की चीजों ने डराना शुरू कर दिया था, वो समझ रहे थे कि ये तो अपनी अम्मी की वजह से डर रहे हैं, उनके घर फोन की हो गई इस वजह से डर रहे हैं, चलो हम इनको होल्ड रहते हैं। और ऐसे होता था कि कोई ऐसे गुजरा इधर से ऐसे अचानक ही नजर आया, कभी ऐसे होता था, और कभी ऐसे होता था पर्दा खुद ही हिलता था है ना हमारा। और हमारा तो बहुत ज्यादा चीखे मारने लग गई हुई थी सोई हुई, मैं इसको उठाती थी, ये कहती थी मुझे उठाओ, मैं कहता तो मुट्ठी हो चीखे मार रही हो फिर क्यों कह रही हो मुझे उठाओ, कहती मैं उठ गई हूँ लेकिन मेरे ऊपर कोई बैठा हुआ वजन जैसे दबाव में है, और जो यहाँ पे पहले, और कभी कभी तो हम उठ भी जाए ना तो वो पता क्या करता है, होड़ पकड़ लेता है और ऐसे ऐसे करेगा, होड़ मतलब कि ना उठ ना उठ, हाँ ना उठ, तू उठने की कोशिश कर, तू ऐसा कर, मैं उठी हूँ, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे होता है मैं उठी हूँ, मैं उसको कह रही मैं उठी हूँ लेकिन वो इसने तो मेरे ही सर हिला दिया। सॉरी, अच्छा यार ये छोड़ो बात, बड़े सारे कमेंट है ये मुख्तसर करो। तो एक कमेंट आया है माला कैट पल का, वो कह रही है कि किला के साथ गुरुद्वारा है, हैं गुरुद्वारा किथे है, हम दोबारा जाएंगे गाइस वहां पे आपके लिए ना, हम लोग दोबारा जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे लोग जो हमारे बाहर से बहन भाई हमें देखते हैं, इंग्लैंड यूके से जर्मनी से, और भी कमेंट आया था कतर से, जहाँ से भी आप हमें दूर से देखते हैं ना, और जो लाहौर से बाहर मुल्तान या सियालकोट जहाँ से भी देखते हैं वो यहाँ पे नहीं आ सकते, हम उनके लिए वीडियो बनाने वहाँ पे दोबारा जाएंगे, और हम ना जल्दी जाएंगे कि वो खुला हो हमारा। और एक कमेंट ये है कि अलोन ऑफिशियल का मंगनी की सारी स्टोरी बताओ, किससे हुई थी, फिर क्यों टूट गई, वो बंदा क्या करता था, उसकी शादी हो गई है, तो मैं बताती हूँ इसका रिप्लाई मैं आपको करती हूँ, जरा एक मिनट, मुझे एक कमेंट और नजर आया हुआ है मैं जरा वो बता दूँ। काफी लोग कहते हैं आयतल कुलसी परा करे,
और पढ़ कर सो जाया करे, फिर नींद, फिर कुछ नहीं होगा। आप लोग कह रहे हैं ना मोबाइल पे सूरत रहमान लगा लिया करे, हम ऐसे ही करते हैं। फिर एक यूजर आईडिया कह रही है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, प्लीज एक दफा मेरा नेम ले ले, ए बी जी। ये कैसा नेम है, इसका क्या मतलब है? और मरीना तुम्हें पता है, तुम्हें पता है हमें कमेंट आया हुआ था, आप लोगों की मंगनियां इसलिए टूटी हैं क्योंकि आप पर असरात हैं, वो आप लोगों की शादी इस पे बंदिश डालते हैं। हाँ, ये सही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम ये इल्म रखते हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका कोई हल नहीं है, ये क्या बात है कि हम सारी जिंदगी शादी नहीं कर सकेंगे, हम क्या कर रहे हैं ऐसे। तो वो मुझे ऐसे लगता है, मुझे पहले भी किसी ने कहा था वो आपकी शादी नहीं होने देते हैं। हम लोगों ने पहले भी किसी और से ना ऐसे दम कढ़वाया था वजन की वजह से, तो उन्होंने कहा था कि ये आप लोग पे शादी की बंदिश है, रुकावट करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, आप बता दे, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट में बताना। ये का शान है, कोई असरात की वजह से मंगनी टूटी है, ये एक्सपीरियंस है हमारा। मुझे भी ऐसे ही लगता है, और रिश्ता नहीं होने देते, हमारी शादियां नहीं होने देते। थोड़ा वीडियो जब ये कमेंट्स हो गए हैं पिछली वीडियो के, और भी काफी सारे हैं, लेकिन मैं आप मुख्तसर एक जवाब देती हूँ कि सबसे पहले मैं नाम का बता दूं आप लोगों को, चैनल के नाम का। मेरे एक कमेंट आया हुआ कि हमारा आप चैनल का नाम चेंज ना करना, अल्लाह ने आपको इससे ही, इस नाम से ही आपकी पहचान बनाई है, और ये बात मेरे खुद अपने भी दिल में है, तो इसलिए मैं भी सोच रही हूँ कि अब जो नाम हो गया है उसे रहने देते हैं, क्योंकि अगर हम लोग नाम चेंज करते हैं तो हम लोग सर्चिंग से भी हट जाएंगे और चैनल की जो ग्रोइंग है वो भी नीचे को आ जाएगी, तो आई थिंक ये नाम ही अब चलता रहने देते हैं। मेरा भी यही ख्याल है, इसका जब चैनल बनाएंगे ना तो इसके ऊपर आपसे ही नाम पूछ के फिर रखेंगे, फिर आपकी मर्जी का रखेंगे। ये बात मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगी थी, मैंने सोचा मैं रिप्लाई करूंगी इस बात का। तो दूसरी बात का जवाब के मैंने कट्स क्यों लगाए हुए हैं अपनी बाजू पे, ये बहुत बदतमीज है, इसका मैं बताती हूँ, पहले इसको पूछने दो, ये बड़ी बदतमीज है, मैंने इसको छोड़ना नहीं है। गाइस मुझे मोहब्बत हो गई थी, मोहब्बत भी नहीं कह लो, मुझे इश्क हो गया था। हाय हाय हाय, मैं लुटी गई, हाय मेरी बहन इश्क हो गया, ये मोहब्बत नहीं इश्क, हाय 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 हाय, लानत तेरे ते, इश्क हो गया सी मेनू, इश्क लानत ओदे ओदे ते, लानत ऐदे उत्ते, इश्क ओदे नाल अपनी शक्ल देख, शक्ल देख अपनी, अपना दिल वेख किड्डा चंगा, अपनी शक्ल देख रब ने किड्डी चंगी, दिल तेरा एडा चंगा, तू हू दाडी चंगी, ते किसे कुत्ते नाल इश्क हो गया ना, क्या वीडियो वेखदे अज भी, लानत भेज, मैं कहनी तेरे इथे दो दो लानत, तू वेखण दे ते दो दो से लानत, सुनने तो सही पर मेरी फीलिंग्स तो सुन, मेरी भैन नु दर्द हुंदी आ, जिद करो दी कोई राग, मेरी किसी नफ्स पे लग गया वे, तो मैं इधर से दबाती हूं ना, या कोई इधर से मुझे पकड़ ले इधर से, तो फिर वो मुझे दर्द होने लग जाते, जैसे कोई नफ्स, मैनु बड़ा गुस्सा आते गाइस, मैंने गुस्सा जरात है, चुप कर जा यार, गर्मी लग, अच्छा मैं आप लोग को अपनी फीलिंग्स बताती हूँ, मुझे प्यार, चुप कर जा, मुझे प्यार भी नहीं हुआ, मुझे मोहब्बत भी नहीं हुई, मुझे इश्क हो गया पहली नजर का, इश्क, हाय रब्बा हाय रब्बा, से लुटे गए, और आपको उसका नाम बताऊं, नाम बताऊं, चले छोड़े नाम, आप कमेंट करेंगे तो बताऊंगी, अच्छा मैं बताती हूँ आपको, फिर वो क्या नाम लेना, उसी तरह लेना किसी कुत्ते का नाम, मरीना ना काला, इस तरह लानती किरदार। फिर गाइस ऐसा हुआ कि मैंने उसको कहा, मतलब मैंने नहीं कहा, जिस दिवस तो मेरी भैन नु दर्द हुई हो तो मेरे वास्ते तो लानती कुत्ता इंसान है। फिर गाइस मैंने कहा हम शादी कर लेते हैं, तो उसने कहा हाँ ठीक है कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरी कुछ डिमांड्स है, तुम वो पूरी कर दो। मैंने कहा क्या, तो वो मुझे पहली डिमांड तो कहता इसको छोड़ दो। दूसरी डिमांड उसकी ये थी कि तुम लोग बट हमारी तो जात नहीं मिलती, मेरा तो बाप ने ही नहीं मानना, मैं जात तो नहीं बदल सकती थी, यू नो, जान के बहाने पाए, हाँ बहाने, तीसरे नंबर पर उसने मुझे कहा कि तुम लोग बहुत गरीब हो, छोटी सी गली, छोटी सी गली तुम लोगों की, हाय हम तो नहीं आएंगे, मेरे घर का मेरा प्यो नहीं आएगा, प्यो नहीं आएगा, तुम नहीं आएगा, जमादार दा पुत्र, चुप कर जा, क्यों चुप कर जा, मैं कट रहा हो गई है, नहीं कट रहा, ऐ तो लफ्ज नहीं कटेंगी,
सो गाइस उसने मुझे कहा कि तुम लोग तो बहुत गरीब हो, हम लोग नहीं कर सकते। फिर उसके बाद उसने मुझे कहा कि मुझे ये शर्तें तो कहीं, लेकिन उसके बाद मैंने अचानक फेसबुक ओपन किया तो मुझे उसकी शादी की पिक्चर्स नजर आई, तो मैं इतना हैरान हुई देख के। ये क्या यार, मैं ना पता क्यों है, मैं उत्ते पापा नु खाना देन गई है ते पिछे आई ते हुनो हुन हुई ते मैं फड़न की बजाय बाहर दौड़ ला दी, फिर इन्हें मेरे पीछे हुनो हुन हुई ने इसने कपड़ा लपेटे आम करके। उसकी शादी हो गई थी गाइस, जिस जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, तो इसलिए मैंने ना फिर मुझे जो समझ आया गुस्से में मैंने वो फिर कर दिया। मैं क्या तू कट लाए क्यों, मैं ते घर छड़ के चली है, तू हुन कट लिया अपना, मैं ते घर छड़ के मतलब मैं काफी डिप्रेशन में थी, मुझे इतना गुस्सा आया, इतना मैं रोना आया, मैं इतना रोई ना गाइस, मैं क्या देख ते सही किसी गैर की खातर इन्हें अपना हुन कट लिया, एने ए भी नहीं सोचा मेरी भैन दे उत्ते की गुजरेगी मेरे कट वेख के, एने मैनू बड़ा दुख दिता। ये नहीं समझ आती, लोग मुंह पे ही कह देते हैं तुम लोग गरीब हो, तुम लोग अपनी औकात देखो, मुझे ये नहीं समझ आती क्या लोग मरना भूल गए, भूल गए हुए ने ना मरना, अल्लाह मोता याद करवा दे। तन भी क्या सी के तेरी औकात है, मैं कहता अपनी औकात है निकल इथों, तेरी औकात है इस घर दे च, तू सोचा भी किस तरह के तू बहू बन सकनी है, साडा घर वेख ते अपना घर वेख, ते घर किथे सी पिंड दे विच। फिर उसके बाद मन्ना भुले होए सी ना, ते कोई गल नहीं, मन्ना ते है ही है, भूल जाओ भावे तीसरा कमेंट की सी यार, मंगनी का बोलो, मंगनी में आपको बता दूं कि मतलब उनका घर भी इतने फासले पे नहीं था हमारे से, मतलब घर भी करीब करीब ही था, जैसे कह लो कि एक तुसी एरिया छड़ के दूसरे एरिए चुना दा कार छी, ठीक है, एक मल्ले छड़ के दूसरे मल्ले, आपा कितने लंगदे टपदे, उन्होंने पसंद आ गई तो उन्होंने रिश्ता भेज दिता, पर इस तरह मंगनी हो गई। मैं सोई भी थी मेरे घर से, वो सामने अक्सर वो आती नहीं है व्लॉग में, उसके फेस पे वो लगाता है रिमशा, तो मुझसे ना मैं सोई भी थी, उसने मुझे घर आकर उठाया, कहती उठ तेरी मंगनी हूँ आज, मैं क्या अच्छा यार मैंने सोन दे पांच मिनट, मंगनी कल कर लेंगे। इंटरेस्ट नहीं सी, कहती सी मैं नहीं करना, वो ना मेरा नया नया दिल टूटा हुआ था, वो उसकी शादी कहीं और होगी भी थी, वो साथ ही मेरी मंगनी हो गई, मेरा कहीं दिल मेरा माइंड ही नहीं था अभी किसी भी किस्म का, तो जिस दिन मंगनी से दो दिन पहले तो मैं इतना रोई जो, मैं रोई जो, मैं कहा मरीना मैं नहीं करनी, मेरा दिल कही जाए मैं नहीं करनी, तो मैं परेशान, मैं कहा हुन की करना, हाय मैं अपने तो रख के सोची जावा, हाय जी कुड़ी का जबरदस्ती ब्याह हो गया तो मैं की करांगी, ये तो रोई जाएगी, हुन मैं की करा, मैं स्यापा पिया, मैं की करा, हाय मैं की करा, तो सुती मैं सोई भी अपने मंगनी वाले दिन, फिर मैं उठी, मैंने दुपट्टा पाटा वा दुपट्टा पहना, तो मैं जाके तो थले बह गई, हल्की जी सुड़की ला के, तो बेस ला के, तो मैं जाके तेज बैठी थले, ते उस तो थले चलो मंगनी के रिसेप्शन पे कह लो, चलो मंगनी वाली जगह जो सी कराई सी, फिर छोटा जितना कमरा कराया सी, हाल कमरा जो मेरी मिस्ती करी थी जो देखो, ते उस तो चलो तो सही, फिर उसके बाद ना उसकी उसके साथ मेरी बात हुई, ठीक है, वो जो लड़का था मेरा तो दिल भी नहीं था बात करने का, जबरदस्ती मेरी बात करवाई थी कि तुम बात कर लो, अंडरस्टैंडिंग कर लो, फिर मैंने ऐसी अंडरस्टैंडिंग की कि मैं आपको क्या बताऊं, सुन के उसकी अंडरस्टैंडिंग मेरे तो मुझे गुस्सा आ गया इतना ज्यादा, तो मैंने बात की, तो वो जनाब कहते हैं कि मैं तुम्हारे में तो बड़ी आकड़ थी, तो मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम रिश्ते के लिए हाँ करोगे, तुमने हाँ कर दी, मैंने तो मजाक किया था, इनकार करोगे, तुम लोगों ने हाँ कर दी, उसकी गलत सोच थी, हमारे में कोई आकड़ नहीं थी, हम लोग नहीं ये कहते गए, हम लोग बस कहते हैं चलो बस घर अपना हो, बस लड़का अच्छा शरीफ हो, बस ठीक है, हाँ उसको लगा कि ये इनकार कर देगी, हमने हाँ कर दी, तो उसने मुझे कहा मैंने मजाक में किया था, मैंने कहा अच्छा तुमने एक मजाक किया था ना, चलो अब इस मजाक को मैं खत्म करती हूँ, चाहे जाहिर सी बात है अब हम लोग बैठ कर मजाक कर रहे हैं, मजाक शुरू होया तो मजाक खत्म भी तो होना ना, फिर मैंने कहा चलो तुम मजाक तुमने शुरू किया था खत्म, इसको मैं करती हूँ, मैंने बाबा को बता दिया,
मुझे बहुत बुरी लगी ये बात। सबसे ज्यादा मुझे ये बात बुरी लगी कि तुम मजाक कर रहे हो, मजाक मजाक में तुमने दो खानदान मिला दिए हैं, मजाक मजाक में तुमने इतना बड़ा काम करवा दिया। मजाक होंदा कोई छोटा जा कोई सी तू जुगत मार के हो जा, एडा वड्डा कौन मजाक करदा। फिर उस मजाक नू मैं क्या मजाक ते मेरी जिंदगी दा वड्डा मजाक बन जाएगा मजीद अगे। फिर मैं उस मजाक नू इत्थे ही टालदा। बुढ़िया हो जाइए औकात बनांदे आ, फिर असि फिर लाठी फड़ा गे। और काम वो क्या करता था बताओ, इनका काम क्या करता था? कुछ भी नहीं, कुछ काम नहीं करता था वो। छोड़ो पड़े, अल्लाह ने गाइस मेरी बात सुने, अल्लाह जो करता है ना बेहतर करता है अपने बंदों के हक में। कभी हमें अल्लाह के फैसले पे रोना नहीं चाहिए, खुश होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह हमारे लिए जो करता है बेहतर करता है। अल्लाह ने जहाँ इसका अच्छा नसीब लिखा होगा ना, ये इतनी अच्छी है, इसका दिल इतना अच्छा है, जैसे हम आपको नजर आते हैं ना हम वैसे ही रियल में भी हैं। अगर आप कभी हमसे बाहर भी मिलेंगे ना तो आपको हम ऐसे ही अच्छे तरीके से हंस के मिलेंगे। जो हमें हमसे मिल चुके हैं और हमें हमारी वो वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा ये वाकई अच्छी है, ये जानबूझ के नहीं कर रही, इतनी अच्छी लड़की है ना ये कि जिसको भी मिलेगी ना ये वो बड़ा खुश नसीब होगा। दिल की साफ मुखलिस, मुखलिस लोग आजकल की दुनिया में लड़कियां नहीं मिलती हैं मुखलिस। अगर हम लोग किसी के साथ चलेंगे ना, मतलब अपने शोहर का, मैं उस रूप के कह रही हूँ, अगर हम अपने शोहर के साथ चलेंगे ना हम मुखलिस होके चलेंगे, और आजकल ये चीजें नहीं मिलती हैं। इस वजह से ये इतनी अच्छी है ना कि इसको कोई अच्छा ही मिलेगा। और आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं की हैं बाबा के लिए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप सबकी दुआएं कबूल करे, आमीन, वो सही हो जाए। और आप कह रहे थे उनको बाहर लेके जाओ, गाइस मेरी बात सुनिए, जो जो कह रहे हैं ना बाहर लेके जाओ, मुझे बताएं हमारी सीढ़ियां इतनी तंग हैं, उसको कौन ऊपर से तीसरी मंजिल से कौन उठा के नीचे उतारेगा, आप मुझे ये बताएं। फिर ऊपर कौन चढ़ाएगा, उतारना तो उतरना आसान होता है, लेकिन आपने भी आपका सीढ़ियों वाला घर होगा या आप कहीं सीढ़ियां चढ़े होंगे, सीढ़ियां चढ़ते वक्त ज्यादा सांस चढ़ता है, उतरते वक्त सांस नहीं चढ़ता। लेकिन अब वो वजन है बाबा का, जाहिर है उन्होंने अपना आप ढीला छोड़ा हुआ है, फालज हुआ हुआ है उनको, उनकी समझ नहीं आती। कल आपने देखी होगी वीडियो में, उनकी कोई समझ आ रही थी जो वो बोल रहे थे, आपको क्या समझ आया ना, उनकी जबान जो है वो सही तरह काम करती है ना ही आधा हिस्सा, तो उनको उतारेगा कौन और फिर ऊपर कौन चढ़ाएगा। इसलिए बाहर सहन में उनको बिठा लेते हैं, बाहर सहन से वो पर्दा इसलिए नहीं लगाया हुआ कि अंदर हवा आती रहे, बाहर सा खुला सांस आता रहे, बाहर से ऑक्सीजन आती रहे, तो इस वजह से हम उनको बाहर नहीं ले जा सकते। यहाँ तो होना हमारा ऐसा घर हो के बस ऐसे बाहर निकलना है और बस अंदर आना है, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर नहीं जाना, फिर हम व्हील चेयर लेंगे उस पे लेके जाया करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो हुआ वरना नहीं हो सकता। ये अजान का कमेंट है हमारा सिस्टर, आपसे आप ऐसे दीवार पर बैठा ना करें, पहले से ही वो घर खराब है, आप बैठती हैं तो मेरा दिल तेज तेज धड़कने लग जाता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, तो मेरा नाम प्लीज ले लीजिएगा कमेंट में। क्या नाम है दोबारा ले लो, बात बार बार बोलती हूँ। अजान अजलान अजलान व्लॉग, अजान अजलान व्लॉग, सही। मैं एक और कमेंट आया था, मुझे उसका नाम नहीं पता चल रहा ना मेरे आगे अभी उसका कमेंट आ रहा है, लेकिन मैं मुझे याद जरूर है, कोई कह रहा था कि तुम मुझे ये पूछना है कि आप कपड़े धोने के लिए कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं, तो कपड़े धोने के लिए हम सनलाइट इस्तेमाल करते हैं, मुंह धोने के लिए हम लोग नीम का साबुन इस्तेमाल करते हैं, बॉडी के लिए हम लोग लक्स का इस्तेमाल करते हैं, और सर के लिए क्लियर मैन का इस्तेमाल करते हैं, और पांडे धोने के लिए लेमन मैक्स, लॉन्ग बार एक कतरा निकाले पूरे दाग, झाग झाग झाग। सो गाइज आई होप कि आपको तमाम कमेंट्स का रिप्लाई मिल गया होगा, तो अब हम लोग इस व्लॉग को कर रहे हैं एंड, मिलते हैं एक अगले न्यू व्लॉग में इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।